आम लग जाते हैं तो ऊपर वाले के हाथ में और तो कुछ है नहीं करेगा क्या इंसान के दिमाग पे तो कंट्रोल कर नहीं सकता फिर वो आपके साथ खेल खेलता है खेल खेलता है गॉड गिव्स यू यू चैलेंजेस बिकॉज़ चैलेंज टू गॉड आपने भगवान को चैलेंज किया है कि तूने मुझे आम आदमी बनाया मैं खास बन के रहूंगा तो भगवान भी चैलेंज करेगा फिर भगवान भी चैलेंज देगा कि अगर तू खास बन के जिएगा तो मैं देखू साला मेरी सेमेट्री में ये इंसान गलत है ऊपर वाला भी चैलेंज देता है ये दोनों तरफ से चैलेंजेस होते हैं ये जो फेलियर आते हैं मैं सात बार फेलियर हुआ हूं सेवन टाइम्स आई गो फेलियर अच्छा एक बात बताओ सारे समझदार लोग बैठे हो ना चलो ये तुम्हारा फेलियर क्यों आता है तुम्हारे को रोज नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हो तुम कोई काम करते हो उसमें फेलियर क्यों, था? अमीर क्यों फेलियर नहीं होता फेल है लड़का तो अमीर ही रहेगा पहली फिल्म हिट अरे हाँ है ना और वो नवाजुद्दीन सिद्ध की गरीब का बेटा बयालीस साल की उम्र तक स्ट्रगल करता रहा भगवान अमीरों को चैलेंज नहीं देता क्योंकि अमीरों की अमीरी लिख के उसने भेजी है गरीबों को चैलेंजेस देता है मिडिल क्लास को चैलेंजेस देता है वरुण धवन पहली फिल्म हिट और वरुण धवन जैसे कितने चले गए बॉलीवुड में कितने कितने साल हो गए आज तक मौका नहीं मिला इसका मतलब चैलेंजेस फॉर मिडिल क्लास ओनली नोट फॉर अपर क्लास आसन में आ रही है क्यों क्योंकि वो देखना चाहता है कि गलती उससे हुई है व्यक्ति गलत है और जब हम ये साबित कर देते कि भगवान जी तुम थोड़ा जल्दबाजी में साला सिस्टम खराब कर गए थे मैं आदमी तो अमीर था क्योंकि तुम्हारे को दिन में बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ते हैं तो एक आधा मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक हो ही जाती है समझे तो वो क्या करता है वो चैलेंज देगा वो चैलेंज किस रूप में आता है आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे कोई लेडीज काम करने जाएगी तो उसका पति अड़ जाता है हट जा अगर तू घर से बाहर गई तो रात को आठ बजे आई तो उसको सोचता है पति है अरे पति नहीं ये भोले बाबा है वो आ गया उसके अंदर तेरे को तेरे को काम नहीं करने देना ना उसको भगवान को करने नहीं देना चैलेंज देना है कोई पति जाता है उसकी पत्नी आके खड़ी हो जाती है ए जी आपने कंपनी की ना तो मैं माइके चली जाऊंगी जहर खा लूंगी पत्नी नहीं है वो शेरा वाली मैया घुस गई उसमें समझे पूरी पूरी टीम नीचे से साफ हो जाती है अच्छा खासा चेक बन रहा होता है टूट जाता है यहां से बाहर निकलोगे यहां से बाहर निकलते ही नेगेटिविटी हावी हो जाएगी छोड़ यार कंपनी का प्रोग्राम था अरे ठीक है अपनी जिंदगी यार सही है यार अपने बीस हजार बहुत है पचास हजार बहुत है ये आप नहीं कह रहे वो कहलवा है नेगेटिव आप होते नहीं आपको किया जाता है आप फेल होते नहीं बार बार आपको गिराया जाता है मेरे साथ भी हुआ सात साल तक सात साल में आठ सा, साल में मैं सात बार फेल हुआ पूरी टीमें खत्म हो गई जीरो होता फिर उठता फिर जीरो होता लेकिन मैं भी तो ऊपर वाले का गेम समझ गया था मका जैसा तू वैसा मैं तो जितनी बार गिराएगा मैं उतनी बार उठूंगा और मुझे पता था भगवान एक ही आदमी के सामने हारता है एक ही आदमी के सामने हारता है जो व्यक्ति 100 परसेंट पॉजिटिव होता है अपने काम को लेकर 100 परसेंट पॉजिटिव होता है क्यों हार जाता है मालूम एक कहावत सुनाऊं, एक धन्ना भगत था राजस्थान में एक स्पीच थोड़ी लंबी जा रही है जाने दो मौज ले दुनिया को मौज एक धना भगत होता था वो मंगलवार का व्रत रखता था तो बड़ा मासूम आदमी था भगवान को लेकर पॉजिटिव था तो उसने खेत में गया और बजरंग बली की मूर्ति बनाई मूर्ति बना के उस पे लगा दिया खाना बोला खा भोग फिर मैं खाऊंगा अब पत्थर की मूर्ति क्या खाने वाली है पर वो इतना मासूम था हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव था उसको लगता है भगवान भोग लेते हैं वो बैठ गया दिन एक निकला दिन दो निकले दिन तीन निकले दिन चार निकले वो खाई नहीं रहा खाना बोला पहले तू खा फिर खाऊंगा बजरंग बली ऊपर से देख के परेशान यार ये तो पागल आदमी है दीवाना आदमी है मस्ताना आदमी है हंड्रेड परसेंट मुझे लेके पॉजिटिव है बजरंग बली को किताबों में है तुम्हारा इतिहास बताता है आना पड़ा उसके साथ बैठ के खाना पड़ा मतलब जब इंसान हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव होगा जरूरी होगा जितनी होगा जसुबाती होगा और एक बात सोच लेता है जीवन में कि अब यही जिंदगी चाहिए या करूंगा या मरूंगा वो मरने देगा नहीं करवा देगा तो अपलाइन से झगड़ा हो गया डाउनलाइन से नाराजगी हो गई ये सब उसके खेल है अपलाइन में भी वही घुसता है डाउनलाइन में भी वही घुसता है सारे खेल ऊपर वाला खेलता है तैयार हो इस चैलेंज के लिए चैलेंज के लिए तैयार हो चैलेंजेस आएंगे एक आएगा दो आएगा तीन आएगा चार आएगा पांच आएगा सात आएंगे इससे ज्यादा नहीं आएंगे सात पे संपन्न हो जाएंगे आर यू रेडी हिंदुस्तान तैयार है हिंदुस्तान तैयार है मैं भी आपके साथ तैयार हूं गरीब गरीब अगर पैदा होना तुम्हारी मजबूरी है तो अमीर बनाना संजीव कुमार की मजबूरी है अरे मुझे मैं देसी आदमी समझे किसी बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करता मुझे अगर भगवान ने ये जो फाउंडेशन जो भी काम कर रही है ना ये आपके खून पसीने का पैसा है मेरे कौन सा बाप के बैंक चल रहे हैं। मेरा तो नाम नाम हो रहा है मेहनत तो आप लोग करके लाते हो इसीलिए में इतनी तेज कामयाबी क्यों आती है क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं आपके साथ होती है अगर एक रुपए की रोटी भी कोई खा रहा है तो आपकी मेहनत से खा रहा है मेरी मेहनत से नहीं खा रहा आपने मेहनत की है और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ऐसी मेरी नीयत रखे भगवान इसमें कभी उल्टा सीधा दिमाग नहीं डाल देना कचरा फचरा जो दुनिया के अंदर है मुझे नहीं चाहिए भाई दौलत मुझे बहुत दिया भगवान ने जितना देना था उससे बहुत ज्यादा दिया है और मैं आपको वादा करता हूं जितना ऊपर वाला देगा उससे ज्यादा हम भलाई के कामों में लगाएंगे मुझे नहीं बनाना साढ़े सात हजार करोड़ का घर बाढ़ में गया डेढ़ दो करोड़ का बहुत अपने लिए फर्स्ट क्लास टनाटन बोलता है अगर अपने पास साढ़े सात हजार करोड़ रुपए आए ऐलान करता हूं इस मंच से अगर ये दुनिया की नंबर वन कंपनी बनी लाखों लोगों को आसरा दूंगा घर बना बना के दूंगा लाखों लोगों को जो मैंने कहा है मैंने किया है अगर आया तो अब यार अपनी जेब में नहीं आया तो मैं कहां से दूं? लाना किसको है अरे किसको लाना है किसको बनाना है दुनिया की नंबर वन कंपनी किसकी कंपनी है ये किसकी कंपनी है आप लोगों की आप लोगों की याद रखना तभी ऐसे ऐसे काम करती है क्योंकि ये जनता की कंपनी है जनता के लिए बनी है जनता के लिए धर्म के काम करेगी जितना हो सकता है उतना करेगी जितना हमसे हो, हो रहा है बनता उतना करते भी हैं अभी तो कुछ नहीं किया अभी तो सात साल का सफर है सात साल सात साल तो सबर के हैं आठवें साल में दिखाएंगे सात साल सात के आठवें साल ठाट के निकल गए निकल गए बस जो निकलना था समय सात साल सबर के इससे आगे के साल कहर के बहुत सबर कर लिया अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा 2022 में इस रथ को लेके 50 शहरों में आ रहा हूं 50 शहरों में आऊंगा इसी रथ पे सवार होके आऊंगा वो कहते हैं ना जब तक डायरेक्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं अभी सारे तोड़ ही रखे जो थोड़े कच्चे बचे कुछ उन्हें भी ले लेते हैं भी लपेट लेते हैं। खुश हो आप लोग खुश हो कुछ दे दूं पहले बताओ भगवान का चैलेंज लेने को तैयार है सब तैयार हैं? जब जब नेगेटिव हो गए क्या सोचोगे बैलेंस ऊपर वाला बैलेंस कर रहा है पर मैं ही क्यों फसूस उसके बैलेंस के चक्कर में बेरी दुनिया पड़ी है वो फंस जाएगी आज आपने देखा होगा कंपनियां बड़े बड़े प्राइज रखती हैं इतने टिकट बेच दो प्राइज ये कर दो प्राइज मैंने भी प्राइज रखा टेस्टीमोनियल टेस्टिमोनियल भेजो पूरे भारत से जो सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा भेजेगा उसको प्राइज दूंगा यह हिम्मत करने वाली कंपनी एसलपीएस बनी टेस्टिमोनियल पे प्राइस लोग ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे ये जानने के लिए मैंने प्राइज रखा तो सबसे पहले मैं उन प्राइज की घोषणा करता हूं फिर आज आपके लिए कुछ खास प्रोडक्ट भी लॉन्च करके जाऊंगा प्राइज लगाओ पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए ये वो लोग हैं जिन्होंने बेस्ट टेस्टिमोनियल बना बना के भेजे अपने कस्टमर्स के फर्स्ट प्राइज जाता है आईफोन तेरह आईफोन थर्टीन देखो लोग बेचने पे देते हैं माल निकालती है कंपनियां प्राइस के चक्कर में और मैं कहता हूं जिनको प्रोडक्ट दिया उनका वीडियो बना के ला फायदा हुआ कि नहीं हुआ पहला प्राइस राकेश प्रजापति आईफोन तेरह सेकंड प्राइस सुरेश एच मोरविया आईफोन बारह थर्ड प्राइस चंदन सिंह एलईडी एम ब्रांड फोर्थ रिंकू सिन्हा सैमसंग गैलेक्सी एस फिफ्थ प्राइज मनोज धोटे सिक्स प्राइज रवि सिंह सेवन सुनील प्रजापति एट कृष्णा किशवार और नोवा प्राइस सूरज राजभर ये हिंदुस्तान के हमारे वो फाइटर्स हैं जो प्रोडक्ट देते हैं और लोगों के पास जाके उनके रिजल्ट पूछ के हमेशा टेस्टिमोनियल बनाते हैं सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल बनाते हैं थैंक यू सो मच क्या टारगेट क्या चल रहा है अभी आवाज नहीं आ रही यार एनिवर्सरी वाले दिन ऐसी आवाज निकालोगे असली माउथ से ऐसी आवाज निकालोगे कौन सा टारगेट चल रहा है कौन सा टारगेट चल रहा है तीस दिसंबर तक क्या करेंगे ऐसे बोलो मैं बोलूंगा तीस दिसंबर तक क्या करेंगे क्रूज करेंगे क्रूज करेंगे क्रूज़ करेंगे तीस दिसंबर तक क्या करेंगे तीस दिसंबर तक क्या करेंगे अपना बुक हो चुका है पंद्रह जनवरी पर्सनल क्रूज और ओनली एस फाइटर्स बाहरी आदमी की नो एंट्री बाहर के लोगों की एंट्री नहीं चाहिए कितने पैसे लेके आए ओनली एसलीपीएस फाइटर्स का क्रूज बुक हो चुका है तो पंद्रह जनवरी का क्रूज करना है अगर आपने क्रूज किया बात यह नहीं आपने टारगेट जीता है बात यह कि आपको जीतने की आदत पड़ जाएगी अब मैं आपके लिए कुछ प्रोडक्ट लेके आया हूं करू करू बहुत इंतजार था पूरे हिंदुस्तान को अब यार देखो ऐसा है मैं हर बार बताता हूं प्रोडक्ट तो मैं दुनिया भर के ला सकता हूं लोग लाई रहे हैं किसी के 600 की रेंज है किसी की 800 की रेंज है किसी की 1500 की रेंज है किसी की 2000 की रेंज है मैं भी ला सकता हूं लेकिन मुझे उन प्रोडक्टों पर भरोसा नहीं किसी और से लेके हमारी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती हमारी कंपनी खुद के प्रोडक्ट खुद बनाती है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खुद का है एक अरब रुपए का आपको डोनेट करूंगा एक अरब रुपए का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आपको अगले साल इसी दिन देके जाऊंगा इसी दिन दूंगा नौ नवंबर को एक अरब रुपए का क्योंकि अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है तभी रिजल्ट आता है बाहर से प्रोडक्ट हम लोग नहीं ले सकते हमें आदत नहीं है उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसे ट्रेडिंग इधर से लिया इधर को दिया बीच में अपना भी लिया और लोगों को भी दिया 99% परसेंट लोग ट्रेडिंग करते हैं हा है ना कंपनी वही है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है ट्रेडिंग का तो दलाली कहा करते हैं और हमें दलाली करने की आदत नहीं है इसलिए वेलनेस सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है इसलिए उनमें क्वालिटी आती है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की बहुत डिमांड थी पूरे हिंदुस्तान से लोग तरही तरह मचा रहे थे सर केमिकल पेस्टिसाइड से थोड़ी मदद मिलेगी फसलें अच्छी होगी प्लीज लाओ प्लीज लाओ प्लीज लाओ सात साल हो गए लोगों को चिल्लाते हुए मैंने लाया मैंने कहा उस दिन लाऊंगा जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट है क्योंकि बात किसान की है और किसान इस देश की सबसे बड़ा गहना है सबसे बड़ा सोना है किसान के साथ नहीं कर सकते किसान के साथ तो वो सेंसिटिव तरीके से चलना पड़ता है क्योंकि हमारे देश का सबसे गरीब तबका है यस और नो लेकिन हिंदुस्तान के किसानों सुन लेना जहां पांच कुंटल होती थी छह कुंटल होगी जहां फसल मरती थी वहां जिंदा रहेगी मैं दे रहा हूं एस बैलेंस की तरफ से आज अपने किसान भाइयों के लिए चार प्रोडक्ट उठा दे पड़ता आओ मामचंद जी महिपाल से आओ शिव कुमार जी आओ रामवीर जी आओ 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 एग्रो नाइनटी ए प्रोडक्ट लॉन्च होता था आवाज ताली आवाज किसान का प्रोडक्ट है नेक्स्ट पीजीपीआर हर फसल में काम आते हैं हर फसल में किसी में भी डलवा देना फसल टॉप क्लास होंगी मेरा वादा है। इको हरियाली तीसरा प्रोडक्ट और ये भूविटा भूमि में मिक्स होता है और जो भूमि पंचर होती है वो भी फसल देने लग जाती है चार प्रोडक्ट हो गए चार हो गए मुझे मुझे ज़्यादा म्यूजिक का शौक है मुझे भूल दे भाई जा इधर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे अपने म्यूजिक में लगा हुआ है यार कमाल आदमी उसके बाद अभी आपको पता है हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जो मैं रोज देखता हूँ चालीस चालीस सात साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है यालीस बयालीस साल में लोग चले जाते हैं पता है नहीं चल रहा लोग कैसे जा रहे हैं क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आता है और कार्डियक की दुनिया का सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट होता है कार्डियक में जो हमारे हमारे ग्रंथों में लिखा है हमारी किताबों में लिखा है हमारे चरक संहिता में लिखा है उसका नाम है अर्जुना एक्सट्रैक्ट अर्जुना जड़ी बूटी आ गई है एक्सट्रैक्ट है हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा आपका उसके बाद ज्यादातर बीमारियां क्यों हो रही हैं? मेटाबॉलिज्म स्लो कोलेस्ट्रोल की मात्रा ज्यादा है फैट बॉडी में ज्यादा हा yes no? तो ये आ गया आपके लिए ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट चाय नहीं पी जाती ग्रीन बहुत से लोग होते ग्रीन टी नहीं पी जाती चाय अच्छी लगती है आप ग्रीन टी का कैप्सूल खाओ वजन घटाओ ग्रीन कॉफी बीन ये दुनिया की सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है वेट लूजर होता है और वेट मैनेजमेंट करता है मेटाबॉलिज्म मैनेजमेंट करता है हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है ग्रीन कॉफी बीन आप गूगल पे डाल के देखना इसकी क्वालिटीज देखना, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है देखना ग्रीन कॉफी बीन कितना बड़ा काम करता है ये भी आ गई है ओके सारे साबुन दो पहले ये लास्ट में बताऊंगा खास चीज ये तीसरी साबुन भी आ गई है भाई नीम तुलसी कैसी है आवाज नहीं आई नहीं तुलसी साबुन कैसी है जानदार और ग्लिसरीन वो उससे भी जानदार जो बाजार में बेच रहे हैं वो पीसे शुरू होती है उससे बढ़िया है नहीं अरे जो बाजार में बेच रहे हैं पीछे शुरू होती है पूरा नाम नहीं लूंगा साले केस कर देंगे उससे बढ़िया है नहीं अब बाजार में सर्दियों की एक साबुन आती है जो डी से शुरू होती है समझ गए तुम लोग बोल सकते हो मैं नहीं बोलूंगा डी से शुरू होती है डी से सर्दियों में लगाई जाती है समझ गए उसकी बाप आ गई है ये क्रीम बार आ गई है सर्दियों की साबुन अरे हम तो कहते हैं हम पे भरोसा मत करो अगर अपनी जिंदगी हमारे साथ लगानी है पचास रुपए का खर्चा कर लो जिंदगी का फैसला अगर पचास रुपए में हो जाएगी सही है गलत है एक साबुन यूज कर लो अरे असली पी एस कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ये है भाई थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट है आजकल के मर्दों के लिए आजकल के मर्दों की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा रहती इतने से समझ लो ज्यादा नहीं समझाऊंगा मां बहने बैठी हैं। इतने समझ लो टेस्टो फास्ट। टेस्टो फास्ट एक हार्मोन होता है हर मर्द के अंदर टेस्टोरोन वो हार्मोन आजकल सभी के बड़े वीक होते हैं तो मसल्स पावर नहीं रहती एनर्जी नहीं रहती गारंटी है एक महीना खाएगा खाएगा एक बार मांगेगा बार बार एस एल बी एस वेलनेस में कारे हो चुकी है पता है आपको हर हफ्ते कार आती है हर दिन कार आती है तो लोग देखना चाहते हैं कितनी कार है तो अब जो आपकी एफ एस एस किट आएगी उसमें कार बुक आएगी विद स्टोरीज जितने कार अचीवर है सबकी स्टोरीज के साथ जिससे आप लोगों को दिखा सको तो दोस्तों जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं घर छोड़ दो बस घरों से बाहर हो जाओ सबसे बड़ा पंगा हमारा घर है और नो घरों से बाहर हो जाओ घर छोड़ दोगे तो रिकॉर्ड भी तोड़ दोगे तोड़ने घर छोड़ने को तैयार हो और भाई जाते जाते एक बात कड़वी बात नेगेटिव होके हमारी कंपनी में काम मत करना हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं इतना बढ़िया एमडी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ना नेगेटिव आदमी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता आई एम सॉरी इट्स फैक्ट क्या होगा कि मैं आपको कहूं आप नेगेटिव होके भी लगे रहो तो आपका जो दूसरा कैरियर है वो भी खत्म हो जाएगा और मैं चाहता नहीं मेरे फायदे और मेरे भले के लिए मैं नहीं चाहता कि आपका दूसरा कैरियर खराब हो के ये में भी आप खराब कर लो और वो भी खराब कर लो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव व्यक्ति पॉजिटिव काम नहीं कर सकता ये हमारी किताबों में लिखा साइंस बोलती है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस है ना मैथ बोलता है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस निन्यानवे परसेंट आप पॉजिटिव हो और एक परसेंट नेगेटिव हो आपकी जिंदगी नहीं बन सकती सॉरी पॉजिटिव ब्लाइंड बिलीव करना जैसे परमात्मा पे भरोसा करते हो ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा करना क्योंकि तो ये प्लेटफॉर्म परमात्मा ने तुम्हें दिया है वर्क इज वर्शिप जब मंदिर मस्जिद में मांगने जाते हो ना कि भगवान अच्छी जिंदगी दे तो भगवान साथ में पैसे नहीं देता अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता देता है और वो ये रास्ता है अगर उसने दिया है तो इस रास्ते पे भरोसा करो ये भगवान ने दिया इंसान ने इंसान को नहीं दिया बहुत सारे लोगों को हम समझाते हैं वो हमारे साथ नहीं आते ना नहीं आते ना क्योंकि भगवान उन्हें देना नहीं चाहता तुम्हें दिया है ब्लाइंड बिलीव हंड्रेड पॉजिटिव एक कावज सुनी है फिश ऑफ सेम फिंग स्विम टुगेदर एक जैसी मच्छी साथ तैरती हैं, कौआ कौआ के साथ उड़ता है चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है बाज बाज के साथ उड़ता है कौआ और चिड़िया साथ नहीं उड़ते समझ गए तो नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते मैं कहता हूं पांच साल दो बस तैयार हो कितने साल हाथ खड़ा करो पांच साल का पांच साल दोगे बस पांच साल फाइव इल्डे पॉजिटिव होके लगे रहना क्या होगा हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव रह के पांच साल देखो छोड़ने को तो तुम यहां से निकलते छोड़ दो मैदान से बाहर आने के बाद हार पक्की है मैदान में डटे रहने से जीत की उम्मीद बची हुई है मैदान छोड़ दिया तो बाहर बैठ के ताली बजाने के सिवा कोई काम नहीं है खेलते रहोगे तो कोई ना कोई बोल आएगी एक बोल में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी साल खड़े रहना दिखना मत धंधा हो कम हो ज्यादा हो अच्छा हो बुरा हो पांच साल तक पता नहीं वेन यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो दुनिया में आज तक किसी को नहीं पता किसको कब बड़ा ब्रेक बनेगा मोदी जी को नहीं पता वो प्रधानमंत्री बनेंगे किसी को नहीं पता था अरविंद केजरीवाल को नहीं पता मुख्यमंत्री बनेगा वेन यू गेट वैन विल यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो अपनी डेस्टिनी में कल क्या लिखा है किसी को पता नहीं है पांच साल तक खड़े रहना पांच साल तक छोड़ना मत मैं कहता हूं बुरी बात अगर कुछ नहीं हुआ तो पांच साल में तो क्या हो गया यार जैसे कल थे ऐसे तो जीवन भर रहोगे जो आज लाइफ स्टाइल है वो तो हमेशा रहेगा अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग रहे हो पांच साल में कुछ नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो जिंदगी आज है वो पांच साल भी रहेगी लेकिन एक बार सोचना कुछ हो गया तो पीढ़ियों की पीढ़ियां तुम्हें याद रखेगी तो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू विश यू ऑल द बेस्ट भगवान परमात्मा अल्लाह गोड वाह गुरु से दुआ करता हूं कि आप सबकी हिम्मत आपका जज्बा बरकरार रखे आप सबको पॉजिटिव रखे आप सबकी नजरिया पॉज़िटिव और आप सब रहो, और वाला रहेगा so you, you पूरे भारत के सभी लोगों का बहुत बहुत नमन हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच भारत से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई थोड़ा स्पिजिकल टाइम लंबा हो गया था थोड़ा गर्मी जाती थी सात साल की तो थैंक यू आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूं एडब्ल्यू पी एल के वो सारे बैक एंड स्टाफ जिनकी मेहनत और लगन की वजह से सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है सो आई रिक्वेस्ट एंटायर स्टाफ बैक एंड स्टाफ टू जॉइन अस एट द सेम टाइम हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एम्बेसडर मिस्टर शिव कुमार जी प्लीज जॉइन आर्स वी रिक्वेस्ट अनुज शर्मा जी प्लीज ज्वाइन आर्स वी रिक्वेस्ट मिस्टर अमित दुबे और क्राउन डायमंड मिस्टर दिलीप सिंह जी वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज जॉइन आर्स मिस्टर कुणाल जाधव ंग्रेचुलेशन एवरी वन आप सभी को बहुत बहुत बधाई सात वर्ष पूरा होने के लिए और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का कि आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने शरीक होके और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आप सभी परिवार का सदस्य हैं इससे ए डब्ल्यू बी एल की शोभा बढ़ती है तो चलिए डिनर के साथ समापन करते हैं आप सभी से अनुरोध है क्यूँ में आराम से डिसिप्लिन के साथ अपना भोजन करें शुभरात्रि शब्बा खैर विद दिस आई काव्या साइनिंग ऑफ Thank <laughs> you.